नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सोनिया एंड वेलकम टू माय किचन। सोनिया जी, दही बड़ा बिल्कुल परफेक्ट बने, नरम बने, मुलायम बने, ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें मैंने सारे टिप्स बताए हैं कि कैसे दही बड़ा सॉफ्ट और स्पंजी बनेगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, और वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग रेसिपीज देखने के लिए और सीखने के लिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं दही वड़ा। तो दही वड़ा बनाने के लिए सबसे पहले एक कप उड़द दाल को एक चम्मच मेथी के साथ अच्छे से धोकर हम रात भर भिगो देंगे। यह है टिप नंबर वन। मेथी से वड़े सॉफ्ट बनेंगे और डाइजेशन के लिए भी अच्छा है। दूसरा दिन धो के इसे मिक्सी में हम इसे अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। ये टिप नंबर टू। पेस्ट बहुत मोटा या बहुत बारीक नहीं होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। इसमें हम डालेंगे एक छोटा चम्मच नमक, एक चौथाई चम्मच हींग, एक इंच अदरक घीस के, और एक या दो हरी मिर्च बारीक कटा हुआ। टिप नंबर थ्री है कि इसे हाथों से अच्छे से फेंटेंगे हम सिर्फ 5 मिनट के लिए। ज़्यादा फेंटने से भी बड़े टाइट हो जाते हैं, सॉफ्ट नहीं बनते। बीटर से भी अगर हम फेंटेंगे तो 5 मिनट बिल्कुल व्हिप क्रीम की तरह ये सफ़ेद हो जाएगा। ग्लास में हम लेंगे पानी और इसे डाल के देखेंगे। जैसे ही ये ऊपर आ जाए इसका मतलब बैटर तैयार है। एक टोपे में पानी गर्म रखिए नमक और हींग के साथ। पानी बॉइल्ड होना चाहिए। कढ़ाई में तेल लीजिए, मैंने सरसों तेल लिया है, आप कोई भी तेल ले सकते हैं। हाथों को गीला कीजिए और वड़ों को इसमें हम फ्राई करेंगे। तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और बहुत ठंडा भी नहीं होना चाहिए। इसे हम लो मीडियम फ्लेम में लाल लाल तल के तुरंत गर्म पानी में डालेंगे। ये है टिप नंबर फोर। वड़ों को तुरंत गर्म पानी में डालिए। ये देखिए मैं तोड़ के दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल सॉफ्ट बने हैं। और गर्म पानी में भी इन वड़ों को हमें ज़्यादा देर नहीं डुबो के रखना है, सिर्फ 10 मिनट रखना है। जैसे ही ये पूरी तरह से सफ़ेद हो जाएंगे हम इन्हें हाथों से निचोड़ के निकाल लेंगे। अगर इसे आपको ज़्यादा दिन तक स्टोर करना है तो आप मट्ठे में इसे डुबो के रखिए, अदरवाइज़ इसे स्क्वीज़ करके तुरंत हम सर्व करेंगे। लेंगे हम क्रीमी गाढ़ी दही फेटी हुई, उसमें डालेंगे हम पाउडर शुगर, एक बड़ा चम्मच पिसी हुई चीनी। इसके ऊपर डालेंगे हम चाट मसाला, काला नमक, भुने हुए जीरे का पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हरी चटनी, मीठी चटनी, बारीक सेब और अनार से इसे सर्व करेंगे। बन के तैयार है हमारा दही वड़ा। मीठी चटनी, हरी चटनी की रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, साथ ही मेरी बाकी रेसिपी की भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे वहाँ चेक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक एंजॉय, हैप्पी होली।